Hello students, myself lekh Today in this video we will discuss about the funeria. In funeria we will discuss about the, its morphology, its male suit also called as anthridiophore, its female suit also called as archegoniophore and about the sporogonium of the funeria. Let's start our topic. Hello students, today we start with the new topic funeria. This is also called as the moss. This is the topic of your chapter 3 plant kingdom. Let's start our topic. फर्स्ट वी स्टार्ट विद द मोरफोलॉजी अडल्ट गमटोफाइड विच अपीयर्स फ्रॉम द प्रोटोनिमा। इट डिफ्रेंशिएटेड इन टू रॉइजॉइड एक्सिस और फैलॉइड तो अडल्ट गेमटोफाइड जो होते हैं जिनको गैम्टोफोर भी बोला जाता है वो प्रोटोनिमा से ही डिवेल्प होते हैं और ये डिफ्रेंशिएट दि, होते हैं थ्री वार्ड्स के अंदर रॉजोइड फर्स्ट पार्ट एक्सिस सेकेंड पार्ट एक्सिस को स्टेम भी बोला जाता है और थर्ड पार्ट है फॉल जिसको लीफ भी बोला जाता है एट द बेस ऑफ स्टेम ब्रांच ओब्लिकली सेप्टेट मल्टी चलर कलरलेस राइज आर प्रेजेंट जो बेस है स्टेम का उसमें जो है ब्रांच ओब्लिकली सेप्टेट और मल्टी सलर कलरलेस रॉयजॉइट जो है प्रेजेंट रहते हैं मेच्योर टर्न ब्राउन जब ये जो है मेचोर हो जाते हैं तब ये जो है ब्राउन कलर के हो जाते हैं अदरवाइज ये जो यंग स्टेज के ऊपर जो है ये कलरलेस है, होते हैं स्टेम इज इरेक्ट एंड ब्रांचेज वंस इन एक्स्ट्रा एक्सलरी फैशन तो स्टेम जो इरेक्ट होती है इनकी और ब्रांचेज एक्स्ट्रा एक्सलरी फैशन में जो है ग्रो होती हैं स्टेम इज कवर्ड विद स्मॉल सिंपल सिसाइल लीव्स विच आर अरेंज इन ए स्पाइरल फैशन तो स्टेम जो है इनकी कवर्ड ती है स्मॉल लीव्स के द्वारा जो स्पाइरल फैशन में अरेंज रहती हैं लीफ इज ग्रीन ओवेट इन शेप विद अक्यूट अपेक्स तो लीफ जो इनकी ग्रीन होती है ओवल शेप की होती है इट हैज डिस्टिंक्ट मिड रिप्स तो इनमें जो है सेंटर में जो है बीच में जो है एक मिड रिप पाई जाती है जो डिस्टिंक्ट करती है इसको दो पार्ट के अंदर मार्जिन इज स्लाइटली सीरिएटेड तो इसके जो मार्जिन हैं वो सीरिएटेड होते हैं मेन ब्रांच इन यंग गेमटो फोर बिहेव एज मेल सूट एंड दिस साइड ब्रांच एज द फीमेल सूट तो जो मेन ब्रांच है यंग गेमटो फोर की तो जो मेन ब्रांच रहेगी गेमटो फोर की वो मेल सूट की तरह बिहेव करेगी जबकि जो अदर ब्रांचेज उसके ऊपर साइड ब्रांचेज जो ग्रो होंगी वो फीमेल सूट की तरह बिहेव करेंगी तो इसमें जो है इसको जो है दिखा रखी है डायग्राम जो है तो हम देख सकते हैं फनेरिया में जो है जो गैम्टोफाइट है वो तीन पार्ट्स के अंदर शो कर रखा है रॉयजॉइड मेन एक्सिस और लीफ तो रॉयजॉइड जो है लोअर पोर्शन है जो जो सब के साथ अटैच रहेगा मेन एक्सिस ये जो स्टेम है और लीफ जो है फाइलोइड है और इसका ऊपर वाला पोर्शन जो है ये स्पोरोफाइट है जिसमें सेट और कैप्सूल को शो कर रखा है तो और जो साइड में जो डायग्राम दिखा रखी है वो जो है इसकी ओरिजिनल जो है डायग्राम है जो नेचुरल अक्रिंग पोजिशन होती है इसकी मॉइस्चर वाली कंडीशन में वो इस तरीके से ग्रो होता हुआ दिखाई देता है हमें नाउ कमिंग टू नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन फोनेरिया एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया आर बॉर्न एट द अपाइसिस ऑफ दी ब्रांचेज तो एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया जो होते हैं वो अपाइसिस के ऊपर जो है ब्रांचेज की ग्रो करते हैं मीन्स वो टिप के ऊपर जो है ग्रो होंगे अपैक्स के ऊपर उन ब्रांचेज़ के एंथरीडिया आर सराउंडेड बाई पेरीगोनियल लिव्स एंड आर्केगोनिया आर सराउंडेड बाई पेरीचाइटल लिव्स तो आर्के एथ्रीडिया जो है ये पेरीगोनियल लिवस के द्वारा सराउंड होते हैं तो इनके अराउंड जो लीव्स हो होती हैं थ्री के अराउंड उनको पेरीगोनियल लीव्स बोला जाता है आर के गोनिया के अराउंड जो लीव्स प्रेजेंट रहेंगे उनको पेरीचैटल लीव्स बोला जाएगा द प्लांट आर ऑटोशियस एंड मोनोशियस तो ये जो प्लांट्स होते हैं ऑटोसियस और मोनोशियस जो हैं दो टाइप के होते हैं ऑटोशियस ऐसे प्लांट्स हुए जो मतलब अपनी पूरी लाइफ जो है एक ही जो है सब के ऊपर या एक ही होस्ट के ऊपर जो है ग्रो करते रहते हैं अगर हम इसको पैरासाइट की टर्म में देखें तो ये वो पैरासाइट होते हैं ऑटोसियस जो एक ही होस्ट से जो है अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और पूरी उम्र उनके साथ ही जो है बिता देते हैं मोनोसियस की बात अगर हम करें तो ये हर्माप्रोडाइट होते हैं इट मीन्स कि वो जो है एक ही प्लांट के ऊपर जो उनके मेल और फीमेल सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम मोनोसियस बोलते हैं नेक्स्ट एंथ्रीडियो फोर मेल सूट के बारे में है तो इसमें हम एंथ्रीडियो फोर के बारे में अब डिस्कस करेंगे तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं एट द टिप ऑफ द मेल ब्रांच क्लस्टर ऑफ एंथ्रीडिया आर प्रेजेंट इंटरमिंगल विद देम आर मल्टी सेलर ग्रीन फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज पैराफाइसिस जो टिप है मेल ब्रांच की उसमें क्लस्टर ऑफ एंथ्रीडिया पाए जाते हैं जो एंथ्रीडिया का क्लस्टर बना होता है वो जो पैराफाइसिस के साथ जो है जुड़ा हुआ होता है तो ये पैराफाइसिस कैसे होते हैं ये जो है मल्टी ग्रीन फिलामेंट होते हैं फिलामेंट लाइक -like स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम पैराफाइसिस बोलते हैं तो पैराफाइसिस के साथ ये जो है एंथ्रीडिया इंटरमीनगल्ड होते हैं इस एंथ्रीडियम है एज ए मल्टी सेलर मैसेफ स्टॉक एंड क्लब सेफ बॉडी तो ये जो एंथ्रीडियम होते, है, होते हैं ये मल्टी होते हैं इनकी मैसिव स्टॉक होती है और ये क्लब सेप्ड बॉडी इनकी होती है एंथ्रीडियम की जैकेट ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर एंड कंटेन नमेरियस क्लोरोप्लास्ट भैन यंग तो ये इसकी जो जैकेट होती है बाहर की जो कवरिंग होती है बनी होती है सिंगल लेयर से और इसमें जो है बहुत सारे जो है क्लोरोप्लास्ट प्रजेंट होते हैं यंग स्टेज के ऊपर इन दी जैकेट सेल इस सेल At the top can be होता है, और यह रिस्पॉन्सिबल होता है स्पर्म की लिबरेशन के लिए तो इसके थ्रू जो स्पर्म बाहर रिलीज होंगे नो इंग्लिश डायग्राम एंथ्रीडियो फोर एंड एंथ्रीडियम तो ए वाली जो डायग्राम है ये एंथ्रीडियो फोर की है बी वाली डायग्राम एंथ्रीडियम की है तो अगर हम इसमें देखें तो एंथ्रीडियो फोर का जो पैराफाइसिस है वो शो कर रखा है उसके नीचे जो है एंथ्रीडिया के सेल्स को जो है मार्क कर रखा है और जो है इसमें जो है साइड वाले जो हैं ये लीफ बेस हैं और नीचे जो है स्टेम टिप को शो कर रखा है तो ये एक एंथ्रीडियो फोर की डायग्राम है नेक्स्ट जो है इसमें वी वाली डायग्राम ये एंथ्रीडियम की है टॉप में इसके ओपरिकुलम है टॉपोराइट से अगर हम स्टडी करें और जो है उसके साइड में जो है जैकेट लेयर के जो है प्रजेंस को शो कर रखा है उसके नीचे एंड्रोसाइड्स के सेल और मदर सेल्स हैं और लोअर पोर्शन में जो है लेफ्ट में जो है स्टॉक को शो कर रखा है आर के गोनियो फोर अब हम फीमेल सूट की बात करेंगे अब इसमें हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के जो पार्ट्स हैं इसके उनके बारे में स्टडी करेंगे आर के गोनियो फोर के तो लॉन्गिट्यूनल सेक्शन इसमें स्टडी किया जाएगा इट्सो दॉइंग इंपॉर्टेंट कैक्टरिस्टिक्स सेवरल आर के गोनिया आर बॉर्न एट द टिप ऑफ द फीमेल सूट सराउंडेड बाई पेरीचाइटल लिप तो बहुत सारे आर के गोनिया जो है डिवेल्प होते हैं टिप के ऊपर जो है फीमेल सूट की और ये सराउंडेड रहते हैं पेरीचाइटल लिप्स के द्वारा तो पेरीचाइटल लिप्स के द्वारा ये जो है आर्केगोनिया जो है सराउंड रहेंगे तो आर्केगोनिया है फीमेल सेक्स ऑर्गन ग्रीन फिलामेंट लाइक आर फिलाल्ड विद तो पैराफाइसिस इनमें भी प्रेजेंट रहते हैं और ये इंटरमिंगल्ड रहते हैं पैराफाइसिस के साथ जो है आर्केगोनिया अपर मोस्ट सेल ऑफ पैराफाइसिस आर नॉट स्वेलन तो इसमें अपर मोस्ट सेल जो है स्वेलन नहीं होंगे इच आर्केगोनियम इज प्रेजेंट ऑन ए मैसिव स्टॉक तो ये आर्केगोनियम जो है मैसिव स्टॉक के ऊपर जो है कन्वर्जेंट रहेंगे तो आर्केगोनियम इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू लॉन्ग ट्विस्टेड नेक एंड लोअर डायलेटेड वन वेंटर तो आर्केगोनियम जो है ये डिफ्रेंशिएट होता है दो पार्ट के अंदर नेक और वेंटर के अंदर तो नेक जो है लॉन्ग ट्विस्टेड रहेगी और जो वेंटर है वो लोअर डायलेटेड रहेगा नेक इज मेड अप ऑफ सिक्स लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ सेल तो नेक जो है बना होता है छः जो है लॉन्गिट्यूडनल रोज से जो है सेल्स की और जो वेंटर है वो जो है डबल लेयर्ड होता है नेक कंटेन सिक्स टू टेन नेक कैनाल सेल तो नेक में जो है सिक्स से लेकर टेन नेक कैनाल सेल पाए जाते हैं ऑन द अदर हैंड बेंटर एनक्लोज वन एग एंड वन वेंटर कैनाल सेल जबकि जो बेंटर है उसमें एक एग प्रजेंट रहता है बेंटर के अंदर जो एग एनक्लोज रहेगा और जो एक बेंटर कैनाल सेल्स जो है उसमें पाए जाते हैं नाउ कमिंग टू नेक्स्ट अबाउट द डायग्राम ऑफ दी आर के गोनियो फोर और आर के गोनीम तो इसमें जो है ए वाली डायग्राम जो है आर के गोनियो फोर की दिखा रखी है कंबाइंड डायग्राम तो इसमें बीच में जो है आर के गोनीम को भी शो कर रखा है तो अगर हम इसके जो है लीफ को शो कर रखा है टॉप राइट से अगर हम देखें और जो है इसके जो है नीचे जो है बैंटर को शो कर रखा है नीचे से अगर हम स्टडी करें और जो है बैंटर कैनाल सेल्स को सो कर रखा है और इसमें सेंटर में जो ओस्फेयर पाया जाता है जो लिखा भी गया है बीच में लेकिन दिखा मार्क नहीं कर रखा है लाइन से और जो है ऊपर वाला जो नैरो पोर्शन है ये नेक है और उसमें नेक कैनाल सेल्स को सो कर रखा है और कवर सेल दें ऊपर इसके जो है नेक के ऊपर अब जो है आर्केगोनियम को अगर हम देखें तो ये सेपरेट जो है करके दिखा रखा है आर्केगोनियम को जो है आर्केगोनियम फोर्स है तो इसमें जो हम क्लियरली देख सकते हैं ऊपर जो है इसके कवर सेल होते हैं कवर सेल के नीचे वाला जो पोर्शन है वो नेक है जो नैरो वाला पोर्शन है और नीचे वाला वेंटर पोर्शन है वेंटर में जो है एग है और ओस्फियर जो सेंटर जो वेंटर कैविटी है उसके अंदर पाए जाते हैं और ऊपर जो स्पर्म को शो कर रखा है ये इसका जो जब ये स्पर्म जो है रिलीज होकर इसके ऊपर आते हैं कवर सेल के ऊपर जो है आर्केगोनियम के तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं नेक के थ्रू और उस नेक के थ्रू जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें से अंदर एंटर होते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं तो इस तरीके से ये जो है फर्टिलाइजेशन होती है इसके अंदर और इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है नेक्स्ट अबाउट स्पोरोगोनियम, दिसपोरोग नेचर स्पोरोगोनियम कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय थ्री पार्ट्स। तो स्पोरोगोनियम जो है ये तीन पार्ट से मिलकर बना होता है फूड सेटा एंड कैप्स्यूल तो ये तीन पार्ट से जो है बना होता है फुट इज एम्बेडेड इन द टिप ऑफ द आर्केगोनियल ब्रांच जो फुट है इसका फुट वाला पार्ट हम बात कर रहे हैं स्पोरोगियम की तो ये जो है जुड़ा रहता है टिप ऑफ आर्केगोनियल ब्रांच जो टिप होती है आर्केगोनियल ब्रांच की उसके साथ ये जुड़ा होता है तो जहाँ से आर्गोनियल ब्रांच के साथ ये जुड़ा होता है तो उसको हम फुट बोलते हैं तो स्पोरीगोनियम जिस पार्ट के थ्रू जो है जुड़ा रहेगा आर्केगोनियल ब्रांच के साथ तो उसको हम फुट नाम देते हैं सेटा इज वेरी लॉन्ग एंड सिलेंडर तो सेटा जो सेकेंड पार्ट है ये लॉन्ग होता है और सिलेंडर होता है इट बियस पोरोगोनियम एट्स और इसकी टिप के ऊपर जो है सेटा की टिप के ऊपर जो है पोरोगियम जो है प्रजेंट रहता है कैप्स्यूल इज पियर शेप्ड एंड कवर्ड बाई रफचर्ड कैलिप्ट्रा तो ये जो है कैप्स्यूल uh, जो होता है ये पियर शेप्ड का होता है और ये जो है रफचर्ड कैलिप्ट्रा के द्वारा कवर रहता है कैप्सूल जो है कैप्सूल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन तो ये तो थे इसके तीन पार्ट फोर्थ सेटा और कैप्सूल जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा अब हम जो है कैप्सूल जो थर्ड पार्ट है अब उसके बारे में पढ़ेंगे तो फुट के बारे में हमने पढ़ लिया सेटा के बारे में कर लिया अब थर्ड है कैप्सूल जो कि मेन पार्ट है इसका तो कैप्सूल आर फर्दर डिवाइडेड इंटू थ्री रीजन तो ये तीन रीजन में डिवाइड होता है कैप्सूल अब थिका एंड ओपरिकुलम अपोफाइसिस शो दी प्रजेंट्स ऑफ असिमलेटरी टिश्यू एंड सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड तो अपोफाइसिस जो है शो करता है असीमलेटरी टिश्यूज इसमें प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड इनमें जो है प्रेजेंट रहता है अपोफाइसिस के अंदर अब इसका सेकेंड पार्ट है थिक्का तो अब उसके बारे में करते हैं थिक्का हैज़ दी एपीडर्मिस तो इसमें जो है एपिडर्मिस होता है का जो एपिडर्मल लेयर को ही बोला जाता है बिच लैक्स स्टोमेटा और इसमें जो है स्टोमेटा नहीं होते हैं असीमलेटरी टिश्यू इज रिप्रेजेंटेड बाई फ्यू लेयर तो इसमें असीमलेटरी टिशू पाए जाते हैं और कुछ लेयर के द्वारा ये असीमलेटरी टिश्यू जो है शो किए जाते हैं नियर स्पोर्स एक रीजन इट इज रपच्चर टू फॉर्म एयर कैविटीज तो जो स्पोर सैक रीजन है जहाँ पर स्पोर जो है बनते हैं तो उस रीजन को बोला जाता है स्पोर सैक रीजन तो वो जो है रप्चर होता है और जो है एयर कैविटीज़ को फॉर्म करता है विद सेवरल ट्रिवेक्यूले और ये जो एयर कैविटीज बनेंगी इसमें बहुत सारे ट्रिवेक्यूले जो है फॉर्म होंगे स्पोर सैक आर किडनी शेप्ड विद आउटर वॉल मेड अप ऑफ थ्री लेयर तो स्पोर सैक जो है ये किडनी शेप है, होते हैं जैसे किडनी की शेप होती है उस तरीके के स्पोर सैक का स्ट्रक्चर होता है और ये बने होते हैं थ्री लेयर से एंड इनर वॉल सिंगल लेयर और थ्री लेयर और एक इनर वॉल जो है सिंगल लेयर रहती है इसके अंदर तो ये थ्री लेयर से मिलकर बने होते हैं और जो इनर वॉल होती है वो सिंगल होती है इनके अंदर जो है स्पोर्ट्स एक्ट के अंदर इन दिस स्पोर हेक हैपोलॉयड स्पोर्स आर प्रजेंट तो स्पोर हैक के अंदर जो है हेपोलॉइड स्पोर जो है जब ये मेच्योर होते हैं तो फॉर्म होते हैं इन दिस सेंटर कोलमुला इज प्रजेंट और इनके सेंटर में जो है कोलमुला जो है प्रजेंट रहते हैं तो इसको डायग्राम के अंदर भी इसकी जो है शो कर रखा है तो यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं ये कोलमुला है सेंटर में अगर हम जो है इसको हेडिंग को देखें तो ये कोलमुला को शो कर रखा है इसके अंदर अब आगे है इसके अंदर जो है अब हम इसको जो है डायग्राम को बाद में डिस्कस करते हैं जो पार्ट उसमें स्ट्रक्चर में दिखा रखे हैं वही जो है हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी के अंदर जितने भी पार्ट्स ये जो है शो कर रखे हैं इसमें जो है एरो के थ्रू तो वो सारे पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट जो है ये तो था कॉलमुला इज प्रेजेंट तो कॉलमुला को जो है शो कर रखा है कि सेंटर में इसके जो है कॉलमुला प्रजेंट रहेगा और ये जो स्पोर है इसमें जो है के अंदर ये जो है हेपोलट स्पोर जो है बनेंगे ये हमने अभी जो है डिस्कस किया अब जो है ओपरेकुलम के बारे में बता रहे हैं ओपरेकुलम सो द्रेजेंट्स ऑफ पेरिस्टोम तो ये तो था थिक्का के बारे में तो ये जो थिक्का वाला रीजन जो है डायग्राम में दिखा रखा है इसमें तो ये जो है जहाँ से ऊपर से लेकर ओपरेकोलम जहाँ से कनेक्ट होता है थिक्का के वहाँ से लेके नीचे तक अपोफाइसिस जहाँ से कनेक्ट होता है ये वाला जो है ओपरेकोलम का पोर्शन है तो उसको जो है हमने अभी पढ़ा थिक्का वाले पोर्शन को अब जो है ओपरेकोलम की बात आती है सोधी तो ओपरेकोलम सऊदी प्रजेंट्स ऑफ पेरिस्टोम तो ओपरेकोलम में जो है पेरिस्टोम प्रेजेंट रहता है विच आर वॉर्न ऑन द ट्रांसवर्सली प्लेस्ड सेल कॉल्ड एज डायफ्राम तो ये जो है ओपरेकोलम जो है इसमें पेरिस्टोम प्रेजेंट रहेगा और ये जो ट्रांसपर्सली प्लेस्ड सेल के द्वारा जो है ये डेवलप होता है के ऊपर डेवलप होता है जिसको डायफ्राम बोला जाता है ओपरेकोलम इज अटैच विद दिक्का बाई थिन वॉल सेल नोन एज एनोलस तो ओपरेकोलम जो है जुड़ा रहता है थिक्का के साथ थिन वॉल के सेल्स के द्वारा तो जिसको एनुलस बोला जाता है तो जहाँ पर जो है ओपरेकोलम अटैच रहेगा थिक्का के साथ जैसा पीछे जो है यहां पर दिखा रखा है ऊपरेकुलम जहां जुड़ रहा है थिक्का के साथ तो उसको जो है अनुलस बोला जाता है नेक्स्ट पेरिस्टोम इज मेड अप ऑफ टू रोज ऑफ ट्राएंगुलर टीथ तो पेरिस्टोम जो है टू रोज से मिलकर बना होता है ट्राएंगुलर टीथ की टू रोज होती है उनसे मिलकर बना होता है ईच रो कंटेन सिक्सटीन टैथ सिक्सटीन टीथ तो इसमें जो है हर एक रो के अंदर सिक्सटीन टीथ पाए जाते हैं मीन्स अगर दो रोज हैं और एक रो में सिक्सटीन टीथ हैं तो थर्टी टू टीथ्स जो इसमें प्रजेंट होते हैं आउटर पेरिस्टोमल टीथ आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर एंड वीअर ट्रांसवर्स वैंड तो आउटर पेरिस्टोमल टीथ जो है हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर के अंदर और उनमें ट्रांसवर्स बैंड पाए जाते हैं हाइग्रोस्कोपिक कोई वो जो है मॉइस्चर को एयर से ऑब्जर्व कर सकते हैं तो ये आउटर टीथ हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और इनमें ट्रांसवर्स बैंड पाए जाते हैं इनर टीथ आर शॉर्ट कलरलेस एंड डेलीकेट तो इनर जो टीथ होते हैं ये शॉर्ट होते हैं कलरलेस होते हैं और डेलीकेट होते हैं बहुत ज्यादा ये तो ये थे इसके जो है स्पोरोगोनियम के बारे में हमने पढ़ा तो इस स्पोरोगोनियम का जितने भी पार्ट्स उसके अंदर होते हैं किस तरीके से फॉर्म होता है वो हमने स्टडी किया और लास्ट में इसका स्ट्रक्चर इस दिखा रखा है हमने काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हैं तो ये जो है हम देख सकते हैं कैप्सूल के स्ट्रक्चर के अंदर तो ये तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड है अपोफाइसिस थिका एंड ओपरिकुलम तो तीन पार्ट से मिलकर बना है अभी हमने पढ़ा था कि जहां पर जो है जुड़ेगा ओपरकुलेगा के साथ उस पार्ट को हम अनुलस बोलते हैं तो ऊपर वाला पोर्शन जो है ये उसे कर कर रखा रखा है पैरिस्टोम है 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 पेरिस्टोम पेरिस्टोम अंदर की तरफ जो पैरिस्टोम है, उसके उसके नीचे अनुलस और बाद रिम ऑफ डायफ्राम है और उसके बाद आउटर वॉल ऑफ स्पोर एक्ट तो ये आउटर वॉल है स्पोर एक्ट इसके अंदर जो है स्पोर जो है फॉर्म होता है और स्पोर एक्ट के बाहर की तरफ को ये एयर एक्स जो है शो कर रखे हैं और ये स्पॉन्जी जोन है उसके बाहर की तरफ एयर शैक से बाहर जो बना हुआ है सेल्स जो दिखा रखे हैं स्पॉन्जी जोन है अंदर जो है इनर वॉल ऑफ द स्पोर्सैक तो ये अंदर वाली वॉल है स्पोर स्पोर्सैक की जो बीच में जो है दिखा रखी है फिर उसमें जो है कॉलमुला को भी शो कर रखा है ट्रेवैक्ले जो फॉर्म होते हैं उनको भी दिखा रखा है ये हैं ट्रेवेक्यूले जो एयर एयरशेक के जो बने हुए हैं सेल्स उनको जो है ट्रेवैक् बोला गया है हाइपोडर्मिस की लेयर को सब स्टोमेटल कैविटी ये बीच में जो सेल जहाँ पर टूटे हुए हैं और एक बीच में वाइट सा खाली पोर्शन दिख रहा है ये सबस्टोमेटल कैविटी है जिसको स्टोमा भी बोला जाता है कंडक्टिंग टिश्यूज ये बीच में जो है ये कंडक्टिंग टिश्यू हैं सेंटर के अंदर जो शो कर रखे हैं और फोटोसिंथेटिक सिंथेटिक ये साइड वाले हैं तो इस तरीके से ये इसका जो है स्ट्रक्चर है कैप्सूल का फनेरिया के तो इसके साथ हमारा ये जो है फनेरिया के बारे में जो है कम्प्लीट होता है दैट्स ऑल इन दिस वीडियो थैंक यू